नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 15 दिसंबर। आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुने क्योंकि हमारा आज का सवाल आज की इस वीडियोस में से ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। STET अभ्यर्थियों को मिली राहत। STET करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने STET में BEd या प्रशिक्षित शिक्षकों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसके पश्चात अब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम सीमा 47 वर्ष हो जाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की उम्र सीमा 50 साल, तो वहीं SC ST के 52 साल के अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। इस बदलाव के साथ ही BSE भी जल्द ही एक बार फिर से STET में सम्मिलित होने वालों के लिए नई तारीख की घोषणा करेगा। अब हर शनिवार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सैर मात्र 1500 रुपए में पटना वाल्मीकि नगर रियायती टूर की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने टाइगर फाउंडेशन के शासी पार्षद की बैठक में वाल्मीकि नगर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की है, जिसके तहत अब 21 दिसंबर से हर शनिवार को पर्यटक मात्र 1500 रुपए में वाल्मीकि टाइगर का भ्रमण कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक शनिवार के इस ऑफर में खाने, आने जाने और ठहरने की व्यवस्था शामिल है। मानव श्रृंखला के लिए सरकार ने जारी की राशि। 19 जनवरी 2020 को तैयार होने वाली मानव श्रृंखला के लिए सरकार ने ट्रेनिंग और अन्य कामों के लिए राशि जारी कर दी है, जिसके तहत सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके अलावा 19 जनवरी को बनने वाले इस मानव श्रृंखला को मास्टर ट्रेनर्स प्रत्येक जिले के जत्थे को 4 दिन का प्रशिक्षण देंगे, जिसकी शुरुआत 20 दिसंबर से सभी कला जत्था के भ्रमण के साथ की जाएगी। छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहना के तहत जारी की गई राशि। सभी इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास सभी अविवाहित 90,603 छात्राओं के लिए 90,60,30,000 की प्रोत्साहन राशि जारी की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत साल 2019-20 में इंटर परीक्षा पास सभी अविवाहित छात्राओं को 10,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। सभी नियोजित शिक्षकों को जल्द ही मिलेगा EPF का लाभ। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। EPFO के असिस्टेंट कमिश्नर ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत 13 जिलों को पत्र भेजकर 7 दिनों के अंदर EPF का लाभ देने का आदेश दिया है। ज्ञात हो, बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक अब तक कर्मचारी भविष्य निधि से वंचित है। हालांकि सरकार सभी नियोजित शिक्षकों को EPF की सुविधा मुहैया करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। NRC लागू होने पर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना होगा जरूरी। नागरिकता संशोधन बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर इस बिल को बहुमत के साथ ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो आपके पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी होगा। 1951 का NRC, 24 मार्च 1971 तक का मतदाता सूची में नाम, जमीन का मालिकाना हक या किरायेदार होने का रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजी प्रमाण पत्र, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस सर्टिफिकेट, सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कोई भी LIC पॉलिसी जैसे दस्तावेज का रहना आवश्यक होगा। इसके बिना आपकी नागरिकता साबित नहीं हो सकेगी। मानव श्रृंखला में 1 से 5 कक्षा के छात्रों को नहीं किया जाएगा सम्मिलित। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी को बनाए जाने वाले अब तक के सबसे लंबे मानव श्रृंखला के तहत सरकार ने समीक्षा बैठक के दौरान अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि इस श्रृंखला में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को सम्मिलित नहीं करने का आदेश सुनाया है। आपको बता दें, इस साल हर बार की भांति सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, जिसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के मोती झील में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के बीच में एक खूबसूरत झील है। झील के दोनों ओर का प्राकृतिक परिवेश बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं एवं यहाँ से सूर्यास्त का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसी वजह से यह स्थान इस जिले की सबसे ज्यादा चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप मोतिहारी जा रहे हैं तो यहाँ की सैर जरूर करें। इन स्थानों के अलावा आप सत्याग्रह शताब्दी पार्क जा सकते हैं, जो जिला मुख्यालय के पास स्थित है। कई अन्य स्थानों जैसे गायत्री मंदिर, नवयुवक पुस्तकालय, सीता कुंड, उर्दू पुस्तकालय आदि मोतिहारी में और उसके आसपास के स्थान हैं जो देखने लायक हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अवधेश मिश्रा की। अवधेश मिश्रा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था, मगर अभी वो मुंबई में रह रहे हैं। अवधेश मिश्रा अपने नकारात्मक रोल्स के लिए सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं। अक्सर फैंस विलन के रोल को नापसंद करते हैं, मगर अवधेश उन कलाकारों में से एक है जिनके इस रोल को भी लोग काफी ज्यादा सराहते हैं। अवधेश की लोकप्रियता सबसे ज्यादा इस समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में है। वहीं अवधेश कई हिंदी फिल्मों में भी नकारात्मक किरदार निभाते आए हैं, जिसकी सराहना बॉलीवुड में भी काफी की जाती है।
सीके नायडू टूर्नामेंट में बिहार को मिली जीत। सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में बिहार ने मिजोरम को एक पारी और 109 रनों से हराकर इस टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है। जहां बिहार ने पहली पारी के दौरान 459 रन का स्कोर स्थापित किया था, वहीं मिजोरम मात्र 226 रनों पर सिमट गई थी। वहीं दूसरी पारी में बिहार ने मिजोरम को मात्र 124 रन बनाने का ही मौका दिया, जिसके साथ ही बिहार ने अपने नाम पर शानदार जीत दर्ज कर ली है। बारिश के कारण पटना में फ्लाइट्स की रफ्तार भी हुई धीमी। अचानक से हुई बारिश ने आम जनजीवन के कई कामों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। इसी बारिश का असर विमान सेवाओं पर भी बखूबी देखने को मिला। नई दिल्ली समेत कई शहरों से पटना आने वाले विमान पर बारिश का असर बखूबी देखने को मिला। बारिश के कारण अलग अलग शहरों से आ रहे विमान अपने निर्धारित समय से 2-2 घंटे देर तक पहुंच रही थी, जिससे कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैशाली यात्रा के फिर से लगाए जाने लगे हैं कयास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से वैशाली दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी उनके आगमन से संबंधित कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, मगर वैशाली के लोगों के मन में मुख्यमंत्री के आगमन की खबर से ही उम्मीद की किरण जाग गई है। उनके आने से वैशाली में विकास की संभावनाएं भी जागने लगी है, मगर यह सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब लगाई जा रही कयासों पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। बघा व हरिनगर रेलवे स्टेशन को अब बनाया जाएगा मॉडल। बिहार के पश्चिम चंपारण के बघा और हरिनगर रेलवे स्टेशन को मॉडल के रूप में विकसित करने की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिससे कि दोनों रेल स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, इन दोनों स्टेशनों को विकसित करने के रूप में प्लेटफॉर्म को नया क्लेवर दिया जा रहा है। इस बाबत डिप्टी चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम ने इस स्टेशन के विकास के लिए खाका तैयार कर लिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरे होते ही स्टेशन के विकास का काम शुरू हो जाएगा। बिहार कैडर के आईएएस रवि मित्तल बने सूचना मंत्रालय के सचिव। केंद्रीय कार्मिक विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बिहार कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले रवि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव हैं। वहीं राजेश भूषण को ग्रामीण विभाग में सचिव पद का पदभार सौंपा गया है। नगर विकास विभाग में जनवरी तक होगी बंपर भर्तियां। नगर विकास विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अहम सूचना। 31 जनवरी तक नगर विकास विभाग में 1056 पदों पर नियुक्तियां ली जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। वहीं सिटी मैनेजर पद के लिए 31 मार्च तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब प्रशांत किशोर देंगे केजरीवाल का साथ। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के आम आदमी पार्टी के साथ काम करने की खबरें सामने आ रही है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में जीत की रणनीति बनाई थी, अब वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपका साथ देते हुए हमारी पार्टी के लिए अनुकूल रणनीति तैयार करने वाले हैं। बिहार में मौसम ने बदला अपना मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। जहां 1 और 13 तारीख को अचानक से लगभग पूरे दिन बारिश हुई, तो वहीं उसके बाद बिहार में चक्रवाती हवा के चलने से मौसम में ठिठुरन में बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल बंगाल की खाड़ियों में चक्रवाती सर्कल बनने लगा है, जिससे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं के बहने के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। वाहन बिक्री में बिहार ने कई राज्यों को पछाड़ा। वाहन बिक्री में बिहार ने कई अहम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें गुजरात, पंजाब जैसे अहम राज्यों के नाम शामिल है। हालांकि पिछले महीने यानी कि नवंबर में वाहन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई थी, मगर फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों के मुकाबले बिहार में ज्यादा वाहनों की बिक्री करवाई गई है। इसमें बाइक, ऑटो रिक्शा, कमर्शियल और निजी वाहन की बिक्री शामिल है। अब ऐतिहासिक स्थलों की प्रतिकृति को आप देख सकेंगे बिहार संग्रहालय में। अब बिहार संग्रहालय में जल्द ही आप ऐतिहासिक स्थलों की प्रतिकृति को देख सकेंगे। इन प्रतिकृतियों में सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, पटना साहिब का गुरुद्वारा मनेश शरीफ की दरगाह और बोधि वृक्ष के अलावा ब्रिटिश काल के भवन संरचना की कृतियां शामिल है। इस बाबत भवन निर्माण के अधिकारी ने यह साफ किया है कि बिहार म्यूजियम में आए सभी पर्यटक राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों की प्रतिकृतियों को देख सके, इसीलिए इसी महीने से यहां आने वाले सभी पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा असर। देश में ठंड बढ़ने से आसमान में कोहरे का असर दिखने लगा है। इसी के मद्देनजर रेलवे विभाग ने 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक 6 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला सुनाया है। वहीं 38 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी फेरबदल की गई है, जिसके तहत 4 जोड़ी ट्रेन का परिचालन बदले रूट से करवाने का फैसला सुनाया गया है। वहीं 1 जोड़ी ट्रेन का आंशिक समापन व प्रारंभ करवाने का निर्देश दिया गया है। केजीएफ 2 का फर्स्ट लुक जारी करने की तारीख की हुई घोषणा। साल 2018 की सबसे हिट फिल्म केजीएफ का सेकंड पार्ट अगले साल रिलीज होने वाला है, जिसके फर्स्ट लुक को जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस फिल्म में अधीरा का किरदार निभाने वाले संजय दत्त ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा करते हुए यह बताया है कि इस फिल्म का फर्स्ट लुक 21 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ज्ञात हो, केजीएफ के पहले सीजन के बाद दर्शकों को इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है।
15 फरवरी से शुरू हो जाएगी सीबीएसई की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। सीबीएसई की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत इस साल यह परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं मुख्य विषयों की परीक्षाएं फरवरी के अंत से या मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा खत्म होने के बाद ही एक महीने के अंतर्गत परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला वनडे आज। सीमित ओवरों के सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज की टीम आज 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में भारत के साथ खेलेगी। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, यजुर्वेंद्र चहर, शार्दुल ठाकुर और केदार जाधव हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही तेज हवाओं के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की संभावना है। वही जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,710 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,710 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.89 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 70.74 रुपए प्रति लीटर था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सरकार द्वारा एसटीईटी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 10 साल की छूट पर आपका क्या विचार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।